Good morning, dear students. Today we are going to read chapter number 16 from our grammar book. The name of the chapter is Phrases and Clauses. First of all, let us discuss about sentence. What is a sentence? We know that a sentence is a group of words that contains a subject and a predicate and makes a complete sense by itself. Ek sentence शब्दों का समूह होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है और जो एक कंप्लीट सेंस, एक मीनिंगफुल सेंस हमारे सामने रखता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस हियर इन द एग्जांपल. हियर द फर्स्ट सेंटेंस सेज द गर्ल इन द रेड साड़ी इज अ डांसर. सेंटेंस नंबर टू सेज द मैच वॉज हेल्ड एट 5 PM यस्टरडे. सेंटेंस नंबर थ्री सेज The girl who is wearing the red sari is a dancer. Sentence number 4 says, The match was held up when it began to rain. Now, in the sentences, sentence number 1 and 2, the colorful word, the words which are written in color, like in the red sari and at 5 PM yesterday. These sentences do not have, these group of words do not have any subject or a predicate of its own. Such words do not make complete sense by themselves. यानी ऐसे group of words जिसमें अपना complete sense नहीं होता, though they have a meaning of its own, but they do not convey us a complete sense. These kind of group of words are known as phrases. So what is a phrase? A phrase is a group of words that does not have a verb, is called a फ्रेज. तो ऐसा शब्दों का समूह जो अपना कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता है, जिसका अपना सब्जेक्ट या अपना प्रेडिकेट नहीं होता है बट एक मीनिंग होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं. कैसे सेंटेंस से डिफरेंट होता है? क्योंकि सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है. ऑन दी अदर हैंड, फ्रेज में अपना सब्जेक्ट नहीं होगा, अपना प्रेडिकेट नहीं होगा और ये एक कम्प्लीट सेंस जो है वो नहीं बताएगा. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 4 10 rupees और इन अ पोलाइट मैनर. इनका मीनिंग है कि 10 रुपए के लिए या एक पोलाइट तरीके से. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लोजेस. व्हाट आर क्लोजेस? नाउ द वर्ड्स इन सेंटेंस नंबर 3 and 4 विच आर रिटन इन कलर, लाइक हु इज वेयरिंग द रेड साड़ी एंड व्हेन इट बिगिन टू रेन. हियर आई हैव रिटन द एग्जाम्पल. हियर दीज वर्ड्स आर नोन एज क्लोज. व्हाई दे आर नोन एज क्लोज? लेट लुक एट द डिफरेंस. द गर्ल Who is wearing a red sari is a dancer. अब who जो है यहाँ subject है, क्योंकि we are talking about this girl which we have written here. Is wearing ये हमारा verb है and the red sari ये object है, यानी हमारे पास subject भी है और एक predicate भी है. तो the group of words which has a finite verb of its own and a predicate, they are known as clauses. Sometimes they may depend on the main clause and sometimes they have the complete meaning. But हम ये कह सकते हैं कि every sentence is a kind of clause. हर sentence एक clause होता है क्योंकि उसमें अपना एक verb होता है और अपना एक predicate भी होता है. Let us talk about more examples. हम और examples ले लेते हैं. जैसे अगर हमने कहा baking cakes. बेकिंग केक्स का मतलब होता है केक को बेक करना. अब इसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं है जब तक हम इसके साथ कोई वर्ब या कोई प्रेडिकेट नहीं जोड़ देते. अगर हमने लिखा आई लाइक बेकिंग केक्स, अब ये अपना कंप्लीट सेंस क्लियर कर रहा है. सपोज हमने लिखा इन द कॉर्नर. अब इन द कॉर्नर का मतलब तो होता है कि एक कोने में, लेकिन क्या वो हमें क्लियर नहीं हुआ, तो इसके सामने हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए. अब इन द कॉर्नर जो है हमारा फ्रेज है. हम कहें द मैन सैट इन द कॉर्नर, कि वो आदमी जो है कॉर्नर में बैठ गया, एक कोने में जाकर बैठ गया. अब ये कंप्लीट सेंटेंस है. नाउ लेट अस एक्सटेंड दिस सेंटेंस. इसी सेंटेंस को हम एक्सटेंड करके देखते हैं. द मैन हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज अ फार्मर.
अब हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और हमने क्या कहा कि वो जो है वो कॉर्नर में बैठा हुआ है, कि वो व्यक्ति जो कॉर्नर में बैठा हुआ है वो एक फार्मर है। तो यहाँ हु इज सिटिंग इन दिस कॉर्नर, इन द कॉर्नर, इन सारे वर्ड्स में अपना सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट भी है, सो इट इज अ क्लोज। नाउ लेट अस टेक टू मोर एग्जांपल्स टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ क्लोज और अ फ्रेज। माय डॉग barks at the strangers. After the dark. अब यहां देखिए, my dog subject है और ये पूरा पार्ट जो है predicate है, ये एक complete sentence है, हम इसे close कहेंगे। अब after the dark, आफ्टर द डार्क का मतलब है कि अंधेरा होने के बाद, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसमें अपना सब्जेक्ट नहीं है, अपना प्रेडिकेट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ फ्रेज। अब एक सेंटेंस में से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लोज को या फ्रेज को? दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। He kept the book behind the lamp. अगर हमने इसे हाईलाइट कर दिया, He kept the book, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। रेस्ट ऑफ द पार्ट बिहाइंड द लैम्प डजंट कन्वे एज अ कम्प्लीट सेंस, लेकिन मीनिंग है कि वो लैम्प के पीछे रखा हुआ है, दिस इज अ फ्रेज। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, हमने कहा ये बुक है दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था। तो यहां पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है, सो दिस इज अ क्लोज। लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ फ्रेज और अ क्लोज। हियर इन द इवनिंग दिस इज अ फ्रेज, शी गेट्स अप एट 5 AM, दिस इज अ क्लोज। Like this, students, you are able to identify whether the given part is a phrase or a clause.